ज्योतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीतानाथ समारंभां रामानंदाय माध्यमां अस्मदा चार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परं परां मंगल भवनय मंगल हारे भवनय मंगल प्रभु सुदशरथ अतिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहुं गुरुदेव की नाई कृपा करहुं जनक सुता जग जननी जाने की जनक सुता जग जननी जाने अतिशय प्रिया करुणानी धान की अतिशय प्रिया करुणानी धान पद कमल मनावूं तके जुग पद कमल मनावूं जसु कृपा निर्मल मति पावूं जसु कृपा निर्मल मति पावूं मातु पिता की सेवा भक्ति मातु पिता के सेवा भक्ति भव बंधन से देती है मुक्ति भव बंधन से देती है मुक्ति नाम अमर है श्रवण कुमारा नाम अमर है
भवन मंगल उमा सहित जहि जपत पुरारी उमा सहित जहि जपत पुरारी हृदय विराजत अवध बिहारी दशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी सिया राम कहियो 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 कहियो सिया राम कहियो राघव राम कहियो रज राम कहियो राघव राम कहियो रज राम कहियो राघव राम कहियो रज राम कहियो राघव राम कहियो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज जय मामपति महादेव जय वृंदावन कृष्ण बलदेव की जय शालीग्राम भगवान की जय तुलसा महारानी की जय अपनी अपनी गुरुदेव भगवान की जय स्थान देवता की जय गौ माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय भारत वर्ष की जय सभी संतों की जय सभी भक्तों की जय 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 सीता सकल सृष्टि देवा आसन लीजे करी कृपा श्री हनुमत ढिग किसमधाम सब उलझन का वेद शास्त्र सम्मत है मर्यादा रक्षक तुलसी का श्री रामचरित मानस है हे कविता के गगन दिवाकर विमल भक्ति के ज्ञान प्रकाश करी जात के पुष्प यापुहे स्वामी तुलसीदास श्री परमाध्यक्ष
अखिल विश्व वंदनीय निर्मक निर्माता अखंड ब्रह्मांड नायक विश्व परिपालक सर्वशक्तिमान सर्वनियंता आत्मकाम पूर्ण काम लोका विराम नैना विराम बलकल वस्त्रधारी कंद मूल फलहारी श्री अवध विहारी आत्मरंजन दुख भंजन अखिल विश्व मंच जो पर अभिनय करते हुए सर्व साकार ब्रह्म के रूप में अवतरित हमारी सर्वेश्वर पूर्णेश्वर जगदीश्वर अकारण करुणालय वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम श्री सीताराम जी के पावन पवित्र में श्री जुगल चरणों में अहर्निश सदा सेवारत श्री राम दूत पवन पुत शिव सपुत हनुमान जी महाराज एवं श्री राम कथा के अग्र पुनेता शशांक शर्वर वैष्णवा कुलभूषण उमा बल्लभ अनाथों के नाथ बाबा बहुत भावन भोलेनाथ तथा नित्य प्रातः स्मरणीय श्री राम नाम के तत्वदर्शी दूरदर्शी त्रिकालदर्शी समदर्शी अनंत शमलमकृतमत स्वामी महिमा महामंडित महामहिम धर्म सम्राट योगियों में महायोगी योगीराज ब्रह्मनिष्ठ साकेत धामवासी सबके उर्वासी निरंतर सर्वत्र निवासी परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान तथा नित्य प्रति श्री राम कथा के रसरसिक धीर वीर गंभीर बुद्ध प्रबुद्ध विचारधारा के समस्त तुरिया नौजवान अभिभावक बुजुर्गण तथा सीता सावित्री गीता गायत्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली राज राजेश्वरी जोग जोगेश्वरी बाल बालेश्वरी माताएं बहने एवं स्नेह स्नेहसिक्त प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे एवं यज्ञाचार्य समस्त सहयोगी विप्रदेव के साथ तथा इस भव्य दिव्य लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव अनुभूति आभास कराने वाला आयोजन हर तरह के बारिश को वर्षा कराने वाला यह अनुष्ठान के मुख्य प्रेरणा स्रोत माध्यम वयोवृद्ध परम गृहस्थ संत ज्ञानवृद्ध ब्रह्मनिष्ठ श्री बंबू बाबा उपाख्य भगत जी एवं इनके समस्त भगत शिष्य प्रशिष्य तथा हमारे पास विराजमान समस्त सहयोगी अनुज एवं समर्पण के घाट पर बैठे हुए नित्य शुद्ध और बुद्ध आत्मबोधित होने वाले प्रिय श्रोतागण आवे हम सब अपने आप को जानने का प्रयास करें हम किसके हैं जिसके हम हैं उसके नहीं हैं जो दिखाई देते हैं उसके हम नहीं हैं जो अदृश्य है उसके हम हैं दिखाई देने वाले तो न अतीत में थे न भविष्य में रहेंगे केवल वर्तमान में है लेकिन एक ऐसा संबंध है एक ऐसा हम सबों का संबंधी है रिश्तेदार है जो पूर्व में भी था
वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। वह परमपिता परमात्मा बार बार हमें कह रहा है, तुम मेरे ही हो, तुम मेरे ही हो। भगवानो वाच भरे भरे संसार के मध्य में महाभारत के रणांगण समरंगण में कौरव और पांडवों के बीच भगवान चिल्ला चिल्ला कर कहा, मामई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन। मामई वांसो में तीन शब्द है, माम एव अंसो, यानी तुम मेरे हो, ऐसा परमात्मा ने नहीं कहा, बड़ी जोर देके कहा तुम मेरे ही हो। दोनों में अपनेपन का बोध है, किंतु विशेष अपनापन परमात्मा के तरफ से बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है, बार बार घोषणा कर रहा है, तुम मेरे ही हो। मेरे हो का अभिप्राय तुम और भी किसी के हो, लेकिन मेरे ही हो इसका अभिप्राय तुम और किसी के नहीं हो, मेरे सिवाय। इसका उत्तर विश्व का सबसे सिद्ध संत, नाम सुने होंगे आप, अब वर्तमान में नहीं है, गीता प्रेस के संचालक स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर चिट्ठी लिखकर दिया परमात्मा के पास, प्रभो रहम अहम प्रभो। प्रभो रहम अहम प्रभो, एक ऐसे संत हुए स्वामी राम सुखदास जी जिनका आज तक फोटो नहीं छपा, यदि कोई फोटोग्राफी कर लेता था तो तीन दिन तक उपवास रहते थे, उनका नियम था। इस भय से भयभीत तो होकर कोई उनका फोटो नहीं लेता था। दूरदर्शन आस्था संस्कार पे भी उनकी कथा आती है, लेकिन फोटो नहीं आता है, केवल साउंड। जिन्होंने आज तक किसी को शिष्य नहीं बनाया, स्वामी राम सुखदास जी का कोई चेला नहीं है, अनुयायी है। जब कलकत्ता उनकी कथा हुआ करती थी, एक एक लाख लोग रामचरितमानस का गुटका माथे पर लेकर और शोभा यात्रा निकली करती थी, विक्टोरिया से लेकर डलहौसी मैदान तक प्रशासन के हाथ पांव फूलने लग जाते थे। वो कहते थे कि वर्दी लगाकर कोई प्रशासन हमारे भीड़ में नहीं घुसेगा, फिर भी व्यवस्था अपने आप व्यवस्थित होती थी। ऐसा भाव है सब लोगों का कि स्वयं श्री हनुमान जी ही व्यवस्था करते थे।
पूर्ण भाव प्रदेश में निवास करते हुए उन्होंने लिखा, प्रभो रहम अहम प्रभु। उसका हिंदी रूपांतरण, हम प्रभु जी के प्रभु जी हमारे हैं, 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 हम प्रभु जी के प्रभु जी भी कही। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 राम सुखदास जी की बात को दोहराते हैं, ना ही मीरा के पंक्ति को दोहराते हैं, हम लोग कहते हैं क्या, दुकान मेरो है, मकान मेरो है, दुकान यही कहते हो, मकान मेरो है, परिवार मेरो है, ये बेटा और बेटी परिवार मेरो है, जी बेटा और बेटी परिवार मेरो है, ये बेटा और बेटी परिवार मेरो है, वैसे है ये किसी का नहीं, अरे पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है, अकर सतसंग अभी से प्राणी, नहीं तो कल के बाद पछताना है, इसलिए ये नहीं कहना है जो मीरा कही, जो तुलसी सूर कबीर कहे वही कहना है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो 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 है, श्री बाप के बिहारी नंद लाल मेरो है, लाल मेरो है, दीवाने बिहारी नंद लाल मेरो है, वो पहले था अभी है और कभी भी रहेगा। विवाह प्रसंग आप कल श्रवण कर रहे थे, विवाह क्या है, विवाह किसे कहते हैं, विवाह किसके द्वारा होता है,
किससे होता है, कब होता है, ये विवाह विवाह नहीं है। पत्नी चौकट तक, पति शमशान तक, उसके आगे की यात्रा में कोई साथ नहीं देगा। अच्छा मैं पूछूं, इसमें कौन कौन व्यक्ति है जो पुरुष है, हाथ उठाना, डरो मत। जानते हो कि बाबा घुमा देगा। तब तो मैं मान लूं कि सब लोग स्त्री हो। अब ऐसे मांगना ये लोग स्त्री हैं, तो भाई जब पुरुष नहीं हो तो स्त्री हो। हकीकत है हम सब स्त्री हैं, पुल्लिंग कोई है ही नहीं। जितने अपने आप को पुल्लिंग मानते हो सब स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का निर्णय कैसे होता है भाई? जब भ्रम हो जाए, भ्रांति हो जाए, पता न लगे, तो बचपन में स्कूल के शिक्षक महोदय बताए हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का निर्णय उस शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दो, स्वतः अपने आप हो जाता है। भाई यदि ज्ञान नहीं है कि यह शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है कि उभय लिंग है, तो वाक्य में प्रयोग करो। हम सब जीवात्मा है। कल बैठे थे हमारे पास एक दो आदमी, चर्चा हो रही थी जीवात्मा, परमात्मा और महात्मा। हम सब जीवात्मा है। जीवात्मा रो रहा है, गलत वाक्य है। जीवात्मा रो रही है, जीवात्मा कलप रही है, जीवात्मा तड़प रही है। इसका मतलब हम सब जीवात्मा है, स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग कौन है? बस एक परमात्मा। हम सबका उद्देश्य विवाह करके मरना है। कुंवारा पैदा हुए हैं और विवाहित होके मरना है। कोई कोई इस उद्देश्य की पूर्ति कर पाता है, सब लोग नहीं। प्रत्येक व्यक्ति कुंवारा पैदा होता है, कुंवारा जीवन जीता है और कुंवारा ही अंतिम यात्रा शमशान की कर देता है। उसका जीवन अधूरा है। कब तक? जब तक हमारा विवाह न हो जाए। कबीर दास जी का विवाह हुआ कब? 80 वर्ष की अवस्था में। रचना आई, मैं तो राम की दुल्हनियां बन गई रे। पितामह भीष्म का विवाह हुआ। अब आप कहेंगे बाबा कहां हुआ? पितामह भीष्म तो पितृ भक्ति से ओतप्रोत आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत लिए थे। यह बात केवल हम लोग के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, पांचों पांडव द्रौपदी को भी बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस समय पितामह भीष्म महाभारत के रणांगण समरांगण के कोने में बाण शय्या पर सोए हुए,
धर्म विजयी हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर को विजय श्री का तिलक लगाया गया। तदोपरांत पांचों पांडव द्रौपदी और द्वारिकाधीश आए हैं पितामह भीष्म के पास। क्यों? इसलिए कि आज सूर्य उत्तरायण है, आज पितामह भीष्म का महाप्रयाण दिवस है। क्योंकि उनका संकल्प था कि जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं हो जाएगा तब तक मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। आज हस्तिनापुर की गद्दी पर धर्मराज युधिष्ठिर बैठने के अधिकारी बन गए। हस्तिनापुर सुरक्षित हो गया। चारों तरफ से पांचों पांडव द्रौपदी खड़े हैं। सिर के पास, पैर के पास द्वारिकाधीश खड़े हैं। समय आ गया अंतिम बेला। हाथ जोड़े पितामह भीष्म। द्वारिकाधीश ने कहा, पितामह मैं आपके सामने हूं, मैं चाहता हूं कि पांचों पांडवों को जाते जाते कुछ उपदेश दे दीजिए। उपदेश दिए। पितामह भीष्म ने कहा कि हे प्रिय पांडवों, जहां भी अन्याय देखना, अधर्म देखना, अनीति देखना, वहां विरोध करना। बड़ा सुंदर जब प्रवचन किए पितामह भीष्म, तो द्रौपदी हंस दी। पितामह भीष्म ने पूछा, क्यों हंसी? बोले, नहीं पितामह, बहुत बढ़िया आप प्रवचन करते हैं, इसमें संदेह नहीं, करिए। बोले, नहीं, हंसने का कारण बताओ। अब द्रौपदी ने कहा कि उस दिन आपका यह उपदेश कहां गया था, जिस दिन सर्याम सभा में दुशासन की राक्षसी भुजा निर्वस्त कर रही थी मुझे, क्या वो क्षत्रियों की सभा नहीं थी? क्या उसमें आप नहीं बैठे थे? पितामह भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बैठा था। बोले, क्यों नहीं विरोध किए? आपका एक आदेश होता तो धृतराष्ट्र का भी मजाल नहीं था कि इनकार कर दे। बड़ा सटीक उत्तर दिए पितामह भीष्म, दुष्ट दुर्योधन का जो अन्न खा लिया था, अब वह दूषित अन्न से बना हुआ दूषित रुधिर तुम्हारे पति अर्जुन ने बाण मारकर बहा दिया है, अब मैं शुद्ध हो गया हूं। अन्न का प्रभाव मन पर पूरा पूरा पड़ता है। बहुत यहां वार्तालाप है। द्वारिकाधीश ने कहा, केशव पितामह भीष्म, मैं आपके सामने खड़ा हूं, अंतिम कोई इच्छा हो तो बताइए। पितामह भीष्म ने आंखों में आंसू लिए कहा, हे केशव, कौन ऐसा अभागा पिता होगा जिसके घर में जवान बिटिया बैठी हो और उसके हाथों पर मेहंदी चढ़वाए बगैर, उसका हाथ पीला किए बगैर,
उसका कन्यादान किए बगैर क्या मरना कबूल करेगा? द्वारकाधीश ने कहा, नहीं पितामह, प्रत्येक पिता की इच्छा होती है कि घर में जवान बिटिया हो तो उसका हाथ पीला कर दो, उसके बाद जीवन रहे अथवा न रहे। पितामह भीष्म ने कहा, केशव, ऐसे ही हमारी एक बिटिया है, वो बड़ी रूपवती है और केवल रूपवती नहीं है, वह बहुत गुणवती भी है। रूप में यदि गुण का श्रृंगार हो जाए तो चार चांद लग जाता है। सब लोग हतप्रभ रह गए कि पितामह भीष्म का जब विवाह ही नहीं हुआ तो ये बिटिया कहां से पैदा हो गई, जिसके बारे में इतना चिंतित है पितामह भीष्म। पितामह भीष्म रो रो के कहते हैं, हे केशव, बस यदि तू पूछ रहा है तो अंतिम यही एक इच्छा है, मेरे कलेजे के टुकड़े लाड़ली, मेरे अति प्रिय प्राण समान बिटिया का हाथ पीला हो जाए, उसके बाद मैं अंतिम यात्रा करूं, मुझे कोई अफसोस और पश्चाताप नहीं होगा। द्वारकाधीश ने कहा, क्या आपने अपने बिटिया के लिए योग्य वर देखा है? यदि देखा हो तो आप बताइए, तीनों त्रिलोक चौदह भुवन में वो जहां भी होगा, आपके मरने के पहले उस दुल्हा को मैं उठा के लाऊंगा और आपकी बिटिया से पानी ग्रहण होगा, उसके बाद ही आप मरेंगे। पितामह भीष्म ने कहा कि हाँ केशव, दिखाऊं, जितनी सुंदर हमारी बिटिया है ना, उतना ही सुंदर मेरी बिटिया का दुल्हा है। जैसे मेरी बिटिया त्रिभुवन सुंदर है ना, वैसे उसका दुल्हा भी त्रिभुवन सुंदर है। जैसे मेरी बिटिया सर्वगुण संपन्ना है ना, वैसे उसका दुल्हा भी सर्वगुण संपन्न है। पितामह भीष्म ने कहा, शीघ्र अविलंब जल्द से जल्द उसका पता बताओ। रूप और गुण का तो आप लोगों ने वर्णन कर दिया, पितामह जल्दी पता बताइए, समय कम है, जल्दी लाऊं, आपकी अंतिम इच्छा पूरी करूं। तब पितामह भीष्म ने कहा कि उस दूल्हे का नाम द्वारकाधीश है और मेरी बिटिया का नाम बुद्धि है। यदि बुद्धि रूपी कन्या का विवाह ब्रह्म रूपी वर से हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। जीवात्मा कन्या का प्रोक्त मंत्रो माता पिता गुरु परमात्मा पति प्रोक्त ब्रह्म संबंध लक्षणा ब्रह्म संबंध लक्षणा परमात्मा पति प्रोक्त। हम सब जीवात्मा के पति का एक नाम है परमात्मा। यदि उस परमात्मा से हमारा विवाह हो जाए तभी हमारा जीवन सफल माना जाएगा। सारे रिश्ते चौकट और शमशान तक मात्र प्रथम और अंतिम एक रिश्ता है।
ओ था भी है भी रहेगा। प्रेम करने लायक है तो केवल एक परमात्मा है। ऐसी प्रेम पात्र का हम चुनाव क्यों करते हैं जो समय समय से जगह जगह से बदलना पड़े। बचपन में हमने माता पिता से प्रेम किया लेकिन क्या अस्थाई रहा। जवानी में पति और पत्नी से प्रेम किया क्या अस्थाई रहा। उत्तरावस्था में पुत्र और पुत्री से प्रेम किया क्या अस्थाई रहा। बचपन में माता पिता से, जवानी में पति और पत्नी से, बुढ़ापे में अपनी संतान से, लेकिन तीनों प्रेम पात्र स्थिर नहीं रहे। ऐसे प्रेम पात्र का चुनाव करना है जो बचपन जवानी बुढ़ापा ही नहीं, जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर तक, और वैसा मात्र संबंध एक है जिस संबंध की घोषणा करते हैं माम अयवांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। आज से नहीं, सनातन और पुरातन संबंध है मेरा और तेरा। यही सनातन और पुरातन प्रेम जीवात्मा रूपी जानकी और परमात्मा रूपी राम का है। पुष्प वाटिका में एक छोर पर जीवात्मा रूपी जानकी है और दूसरे छोर पर परमात्मा रूपी राम है। मिलान तब तक नहीं हुआ जब तक सखी रूपी महात्मा मध्यस्थता नहीं। वो सखी कौन थी जानते हो? एक सखी सी असंग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। वो सखी नहीं थी, वो देवर्षि नारद थे, सीता जी के गुरु थे। बचपन में बता दिए थे, हे सिया फुलवारी का पहला पुरुष तेरे हिया का पिया होगा। भविष्यवाणी कर गए थे बचपन में जब जन्म ली थी सीता। लेनो बात भूल गई है ना। गुरु वे ही है जो आसुदा मंजिल कर दे, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देता है। रास्ता बताने वाला गुरु, इन बाह पकड़कर ब्रह्म से मुलाकात कराने वाले का नाम सदगुरु है। वो सखी नहीं है, वेदांत तावका, वेदांत की भाषा बोली है, गिरा अनयन नयन बिन वाणी। ये सबके बस की बात नहीं है। गिरा अनयन नयन बिन वाणी यह चौपाई सिद्ध करती है वह साधारण सखी नहीं। साधारण सखी होती तो गिरिजा का पूजन करने के लिए सीता के साथ मंदिर में गई होती। वो देवर्षि नारद थे, रूप बदल कर सखी का रूप धारण करके सीता को राम से मिलाने के लिए आए थे। जैसा भी हुआ, विवाह हुआ, बड़ा धूम मचा, बड़ा ही उत्सव, बड़ा ही महोत्सव हुआ। राम जी बड़ी ससुराल रहे, जानते हो कितना दिन रहे? पूरा 6 महीने। छह महीना रेगुलर ससुराल रहे राम जी। विवाह के पहले ही चले गए थे। बारात चली गई, जयमाल हो गया, तब तक अभी विवाह का दिन तय नहीं। ऐसा विवाह कभी देखे हो? राम सीता का जयमाल हो गया बिना तिथि का। उसके बाद पत्रिका
आई है अयोध्या, उसके बाद दशरथ जी बारात सजा कर धजा कर ले गए हैं, उसके बाद महीनों रह गई, अभी दिन तय नहीं हुआ। रामायण पढ़ो। उसके बाद दशरथ जी ने कहा, जनक जी वशिष्ठ ने जी ने कहा, विश्वामित्र अरे दिनों तो तय हो, कब विवाह होगा, बारात महीनों रह गई, तब हिमऋतु अगहन मास सुहाव, लगन शोध विधि की निविचार। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पत्रिका देखा, अब विवाह कब हुआ था, अक्टूबर नवंबर यानी अगहन में पंचमी को भगवान का मैरिज। आप लोग का अपना एनिवर्सरी तो सबको याद होगा, फेसबुक पे मरे डालते रहता है, हमारा मैरिज डे, मैरिज डे। हमारे पिता और माता कौन है, राम और सीता, उनका मैरिज डे कब है पता है, अगहन महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि, लगभग अक्टूबर नवंबर। विदाई कब हुआ, होली खेलने के बाद। अब विवाह हुआ अगहन में, एक दो महीना पहले आए हूं, और उसके बाद चार महीना रहे, मार्च अप्रैल में होली होती है ना, माघ में, माघ की पूर्णिमा होली बताया जाता है, ओ सॉरी फागुन की पूर्णिमा, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होली होती है। अब बताओ अगहन पूष माघ फागुन, चार महीना हो गया, विवाह होने के बाद चार महीना राम जी ससुराल रहे, रामे जी नहीं रहे, चारों भाई रहे, चारों भाई ही नहीं रहे, समधी जी समधिये जी नहीं रहे, पंडित जी भी रहे, पंडित जी नहीं रहे, हाथी और घोड़े भी रहे, सारे बाराती रहे। जब चार महीना बीत गया विवाह के बाद, दशरथ जी को आज याद आया है अयोध्या, इतना सम्मान मिला है, इतना स्वागत किए, नित्य नौ मेहमानी हो रही है। दिन ओठ बीता अवध पति मांगा, दिन ओठ बीता अवध पति मांगा, राखहिं जनक सहित अनुरागा, पति मांगा। एक दिन नहीं, कई दिन, जनक अब हमें जाने दो। जनक जी हाथ जोड़ के आंखों में आंसू लिए कहते हैं, क्या कोई सम्मान में कमी हो गई, जाने का नाम क्यों लेते हो, रुक जाते हैं, फिर विदा मांगते हैं। सुनैना जी हाथ जोड़कर रुक लेती है, महाराज के सम्मान में कमी हो तो बताइए, मैं पूरा करूंगी। फिर रुक जाते हैं, फिर विदा मांगते हैं, तो जनकपुर की सखियां हाथ जोड़कर आंसू ले ले रुक लेती है कि यदि महाराज और महारानी के तरफ से सम्मान में कोई कमी हो बताइए, हम लोग उसका पूरा करेंगे। अब रोज मांग रहे हैं, रोज विदाई नहीं मिल रही। अब हार गए दशरथ जी महाराज,
दशरथ जी ने विश्वामित्र से विचार विमर्श किया। हे विश्वामित्र जी, राम लखन को पहले, बहुत पहले से लेके आप आए। पत्रिका गई, बारात सजी धजी, तो दुल्हा तो था नहीं, समधी की ही आरती हुई। जब मेरी आरती तीनों महारानियां कर रही थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तो आंखों में आंसू प्रेमाश्रु लेकर कही कि हे चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ, मन तो कर रहा है कि हम लोग भी बराती चले, लेकिन आपके सूर्यवंश रघुवंश में यह नियम नहीं है कि औरतें बराती जाए, इसलिए आपके परंपरा को हम लोग तोड़ेंगे नहीं। हाँ, इतना जरूर कहें कि राम का लग्न पूर्व होते ही, विवाह संपन्न होते ही, तुरंत शीघ्र अविलंब, जल्द से जल्द राम और सीता को लेके आना। राम को बहुत दिन हो गया देखे हुए, और सीता को देखने के लिए नेत्र आकुल और व्याकुल। हे विश्वामित्र जी, और हम लोग आके 6 महीना रह गए, कौशल्या इंतजार करती हो। अब मेरी बात तो जनक मान नहीं रहा है, क्यों? इसलिए कि वह ज्ञानी है और आप भी ज्ञानी हो। ज्ञान की भाषा में आप विदेहराज महाराज ज्ञानी को समझाइए, ताकि हम लोग को विदा दें। विश्वामित्र कहे कि ठीक है, आज मैं समझाऊंगा। जनक जी महाराज शाम के समय आए हैं, नित्य नया निमंत्रण आता था शाम के टाइम, रोज कल का निमंत्रण आज, कल का निमंत्रण आज। जब निमंत्रण लेके आए, सबसे पहला निमंत्रण आता था श्रेष्ठ विश्वामित्र जी थे उनके पास। ज्ञान की दुनिया का दोनों बेताज बादशाह, उधर जनक भी और इधर विश्वामित्र भी। विश्वामित्र ने ज्ञान की भाषा में समझाना शुरू किया। विदेहराज जनक कहते हैं, जनक तुमको क्या समझाना, तुम तो खुद ज्ञानी हो, फिर भी स्मरण करवाना चाहता हूं। हे जनक, इसी का नाम है दुनिया, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, अरे कहीं जनाजा उठे जा रहा है तो कहीं दुल्हा घोड़े चढ़े जा रहा है, इसी का नाम है दुनिया, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, अरे कहीं कोई गा रहा है तो कहीं कोई रो रहा है, इसी का नाम है दुनिया, कोई आ रहा है तो कोई जा, अरे कहीं ठंडी आह है, कहीं ठंडी आह है तो कहीं वाह वाह है, इसी का नाम है दुनिया, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। हे जनक, जिस दिन मनुष्य जन्म लेता है उसी दिन ब्रह्मा मृत्यु की तिथि भी फिक्स कर देता है। वो अलग बात है कि बताता नहीं, क्यों? इसलिए नहीं बताता है कि आजकल के लोग, यदि ब्रह्मा बता दिए होते कि इस दिन मरना है तो हैप्पी बर्थडे टू यू कहना भूल जाएंगे लोग। जबकि अंतिम सत्य है
जिस दिन मनुष्य कदम रखता है उसी दिन अंतिम यात्रा की भी तिथि ब्रह्मा फिक्स कर देता है कि इस दिन आपको मरना है। जो आया है उसको जाना ही होगा, जिसका मिलन हुआ है उसका वियोग निश्चित है। हर्ष के बाद गम और गम के बाद हर्ष, सुख और दुख, मिलन और वियोग। हे राजन, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक नदी के दो किनारे हैं। हवा का झोंका आया है तो सुख के तरफ, हवा का झोंका पलटा तो दुख के तरफ। अरे दशरथ को भी राजकाज करना है ना, उसको भी तो राज्य देखना है ना। बहुत दिन हो गया, अब दशरथ को विदा दो। जब इतना समझा के बताए विश्वामित्र जी जनक जी महाराज को, तो जनक जी महाराज नहीं कह पाए कि ठहर जाओ। भूमिका बड़ी तगड़ी थी विश्वामित्र की। इस भूमिका के आगे ज्ञान की दुनिया का वेताज बादशाह जनक जी महाराज की एक नहीं चली। जनक जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। जनक जी महाराज कहते, ठीक है विश्वामित्र जी, विदा देना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप जितने बात कहें वो सत्य है। आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों तो विदा तो करना ही होगा। मिलन है तो वियोग भी निश्चित है। बहुत दिन हो गया। वैसे राम जी 6 महीना रहे थे, कभी गंग हुए। उन्होंने लिखा है कुछ ऐसे जगह हैं जहां ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। कौन कौन सा जगह है? बुरो प्रीति को पंथ, प्रेम का जो रास्ता है ना वो भी बड़ा बुरा है, अच्छा नहीं है। बुरो पर घरवासी, बुरो प्रीति को पंथ। अब आजकल लोग प्रेम किस लिए कर रहे हैं? हंसने के लिए। प्रेम में हंसी तो है ही नहीं, प्रेम में तो केवल आंसू है। जहां शुद्ध प्रेम हो, ये नाटक वाली बात मैं नहीं करता हूं, जहां शुद्ध प्रेम है वहां तो हंसी और खुशी समाप्त हो जाती है। वहां तो बस केवल आंसू चलते हैं, केवल आंसू चलते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा मीरा है, और मीरा ने अपने जीवन का जो सार है, प्रेम का जो निचोड़ है, वो कही कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीति करे दुख होए। अब आजकल लोग सुख की इच्छा करते हैं, कदापि नहीं। अरे नगर ढिढोरा पीटती प्रीति न करियो को, यदि इसके पहले मैं जानती कि प्रेम रूपी वृक्ष पर केवल आंसू रूपी फल लगते हैं, हंसी और खुशी रूपी फूल नहीं लगते, तो नगर ढिढोरा पीटती प्रीति न करियो। ये प्रेम है, ये इसके कहते हैं प्रेम। बुरो प्रीति को पंथ, बुरो पर घरवासी, हम बुरो नारी को नेह, बुरो मूर्ख से हंसी। मूर्ख से कभी हंसी नहीं करना चाहिए, सिर पे चढ़ जाए। अरे बुरो सीम को शिव, बुरो भगिनी घर भाई,
बहन के घर भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए, तो बूढ़े बूढ़े लोग भी मजाक करते हैं। और क्या बुरा है, बुरो नारी कुलच्छ बुरो सास घर जमाई। ससुराल में भी ज्यादा दिन, बुरो सास घर जमाई। अरे बुरो पीट पपाल नहीं दरिद्र सम दुख से कमाई। भूखा आदमी क्या नहीं कर देता है क्षुधा को शांत करने के लिए। अरे बुरो सुरन में भागनो। अब बैठे हो यहां कोई सूरदास, अचानक हाथी आ गई, भागो भागो हाथी आया हाथी आया हाथी आया। लेकिन भागने वाले तो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, हाथी चला गया आके बैठ गए, लेकिन सूरदास जी अभी भाग ही रहे। बुरो सुरन में भागनो कभी गंगा कही साह सुनो अकबर सबसे बुरो है मांगनो। रही मन भी नर मर चुके जो कछ मांगन जाए औनती पहले भी मुए जिन मुख निकसत ना। अब एक आदमी था, पड़ोसी में घोड़ा था, कहीं जाना था उसको, पड़ोसी के पास गया, बोला थोड़े देर के लिए घोड़ा दे दो, मुझे मंडावर से कुछ सामान लेके आना है। पड़ोसी ने कहा कि घोड़ा घास चरने के लिए खेत में गया है। तब तक घोड़ा हहनाया, घोड़ा आवाज दिया, घुड़साल में बंधा था, किवाड़ी बंद थी। तो जो मांगने गया था वो कहा क्या यार कहां घोड़ा खेत में गया है घास चरने, घोड़ा तो तेरे घुड़साल में है। बोले कैसे पता लगा, बोले वो हिहनाया आवाज दिया। पड़ोसी ने कहा कि मूर्ख पड़ोसी, घोड़े की आवाज को पहचान लिया लेकिन मेरे भाव को नहीं पहचाना, नहीं देना है जाओ। जानवर की भाषा को तो पहचान लिया और मनुष्य की भाषा को नहीं पहचान। रही मन भी नर मर चुके जो कछ मांगन जाए औनते पहले वे मुए रहते हुए जो नहीं दिया उसके पहले वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज विदाई मांगे कौन, विश्वामित्र जी, और विदाई देने के लिए तैयार हो गए जनक जी महाराज। ठीक है महाराज, कल विदा कर देंगे। जनक जी महाराज उदास हताश निराश होकर वापस गए। बात हवा की तरफ फैल गई कि कल सीता चली जाएगी, कल राम चले जाएंगे, कल बाराती चले जाएंगे। जनक जी महाराज ने आदेश दिया, जितने कन्यादान में दिया हुआ सामान है और रथ पर रखा जाए। कन्यादान में दिया हुआ सामान रथ पर रखा जाने लगा। यह दृश्य देखकर सारे जनकपुर वासी की सखियां, आज किसी के घर चूल्हे में अग्नि नहीं जली कि कल राम और सीता दोनों चले जाएंगे। डोली सजने लगी, आज रात्रि में भोजन कोई नहीं किया है, जल तक कोई नहीं लिया, इसलिए
आज पूरे जनक वासियों के नेत्र में निद्रा नहीं, आज कोई सोया नहीं, सुबह के सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सुबह राम और सीता चले जाएंगे। चारों डोली सज धज कर जनक जी के महल के दरवाजे पर आकर लग गई। सुबह 5 बजा है, सारी जनकपुर वासी बाल वृद्ध नर नारी सारी सखियां जनक महल के सामने वाले गली में कतार लगाकर खड़े हो गए हैं। मायूस चेहरा सहनाई वादकों ने अपने सहनाई से गमगीन स्वर छेड़ दिया। जो रात भर वातावरण रंगीन था, सहनाई के करुण स्वर से पूरा वातावरण गमगीन हो गया। जनवासी में खबर गया, जहां अष्ट सखियां सियाजू को सोलह श्रृंगार से श्रृंगारित कर रही थी, पता लगा कि डोली आकर लग गई है दरवाजे पर। अष्ट सखियां नक्शे सिखा तक मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा विदेह पुत्री वैदेही को श्रृंगार से श्रृंगारित करके लेकर चल देती है डोली में बिठाने के लिए। वहीं पर बगल के कमरे के चौकट पर सुनैना महारानी सिसक सिसक कर रो रही थी। सीता जी जब चली उधर और सीता जी की नजर सुनैना महारानी पर पड़ा, मां पर पड़ा, जैसे बछड़ा अपना समूह छोड़कर अपनी गैया मैया के पास दौड़ता है, वैसे सीता जी सखियों के झुंड को छोड़कर दौड़कर सुनैना का चरण छूना चाहती। तुरंत सुनैना झुककर सीता का हृदय अपने छाती से लगाई और आंखों में आंसू लिए करुण स्वर से सुनैना कहती है कि हे सीते, इस विदाग्री की बेला में मैं तुझे क्या दे सकती हूं? तुम्हारे आंचल में संपत्ति तो नहीं, लेकिन कुछ संस्कार मैं विदाग्री के समय देना चाहती हूं। और संस्कार देते हुए कहती है सुनैना, पुनि पुनि सिया गोद कर ले ही। अशीष हमारी चिरयाहि बात अशीष हमारी। अब विदाई में संस्कार रूपी वस्तु डाल रही है आंचल में। सासु ससुरी गुरु सेवा करे हो, सासु ससुरी गुरु सेवा करी हो, पति रूख लखिया यसु अनुसरे हो, पति रूख लखिया यसु अनुसरे हो। जब तक गंगा की धार रहे धरती पर, जब तक आकाश में सूर्य का प्रकाश रहे, हे सीते तेरा सुहाग तब तक कायम रहे।
हाँ बेटी, अपने सासू को सासू समझकर नहीं मां समझकर सेवा करना, और ससुर को ससुर नहीं पिता समझकर सेवा करना। पति से कुछ मत कहना, पति रुख लाख आयुष अनुसरे, पहले पति के चेहरे को पढ़ना और उसके अनुसार ही अपना आचार विचार और व्यवहार करना। संस्कार का खजाना देते हुए कहती है, माननीय दुलारी मेरी कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। माननीय दुलारी मेरी कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। माननीय दुलारी मेरी कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरी कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा पेट सहना, पर कुछ न कहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बापुल की अंगना, छोड़ के चली है बेटी बापुल की अंगना। संग की सहेली कोई जाए तेरे संग ना, संग की सहेली कोई जाए तेरे संग ना। संग की सहेली तेरी जाए कोई संग ना, संग की सहेली कोई जाए तेरे संग ना। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे महना इस भांति रहना जाके ससुराल में। बोलना मधुर जैसे मैना इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरी कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरी कहना इस भांति रहना जाके ससुराल। संस्कार का खजाना है सब। देते हुए कहती है, मैना महारानी है सीते, माता के समान अपनी सासू जी को जानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर 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 जी को मानना।
जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। 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 दीदी को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। इन्हीं को समझना अपने बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। जानती हो कभी कभी पराए घर जा रही हो, अनभिज्ञ लोग के पास जा रही है ना, हो सकता है कभी तेरी सासू डांटे फटकारे। उसके लिए मेरे तरफ से संदेश है, कभी कभी सासू तेरी कड़वी बोल बोलेगी। कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी। बार बार कह के तेरी हृदय को भी छोलेगी। बार बार कह के बार बार कह के तेरे हृदय को भी छोलेगी। बार बार कह के तेरे हृदय को भी छोलेगी। कुछ मत बोलना तू, मुँह मत खोलना तू। 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 नीचे को झुका के रहियो नहीं ना, तुलारी जाती आके ससुराल में। नीचे को झुका कर रखना नैना, पर कुछ मत करना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरी कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरी कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कंजश्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे। कंजश्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। औरतों की सुंदरता क्या है? होठों की लाली सुंदरता नहीं है। आप फोटोग्राफी करने जाते हैं तो फोटोग्राफर क्या कहता है? प्लीज स्माइल। मुस्कान जब एक सेकंड की फोटो को बना देती है, तो जिसके चेहरे पर बराबर मुस्कान हो क्या जीवन को नहीं बनाएगी? एक सेकंड की मुस्कान फोटो को सुंदर बना देती है। फोटोग्राफर कहते हैं ना, प्लीज स्माइल, थोड़ा मुस्कुराई। तो यदि हमारे चेहरे पर मुस्कान रहे तो जीवन कितना सुंदर होगा अंदाजा लगाना। वही कह रही है, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनिया तेरी। 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 लज्जा हो बेटी तेरा कहना, इस भांति रहना
जाके ससुराल में मिलना चाहे बेटी तेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना इस भांति रहना जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में मानी दुलारी मेरी कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में दुलारी मेरी कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में आंखों में आंसू लिए सुनैना कहती है हे बेटी कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सुख सपने होना है विधाता ने हे बेटी नारी की जब रचना किया ना तो बड़ी फुर्सत में किया रचना करने में समय बहुत दिया लेकिन हे बेटी जब नारी का भाग्य ब्रह्मा लिखने लगा ना तो शायद अमावस की अंधेरी रात में लिखा था पराधीन सुख सपने होना है बचपन में पिता के अधीन जवानी में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन नारी का पूरा जीवन आधीनता है और आधीन व्यक्ति पराधीन व्यक्ति परतंत्र व्यक्ति यदि सुख की इच्छा करे तो ये तो अज्ञानता कही जाएगी ना बेटी इसलिए है बेटी सुख की तो इच्छा ही मत करना ऐसा संस्कार का खजाना देकर सुनैना महारानी सीता को लेकर अष्ट सखियों के साथ जा रही है वहीं पर बीच रास्ते में सीता के पिता महाराज जनक खंभा के ओट में मुंह छुपाकर सिसक सिसक कर रो रहे हैं दौड़कर सीता जी चरण छुई शी बिलो की धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी सीता जी को जब देखे तो जो सिसक सिसक कर मुंह छुपा के रो रहे थे वो जनक जी महाराज फफक फफक कर रोने लगे आप देखे होंगे पिता का हृदय बड़ा पत्थर का होता है पत्थर जैसा कठोर होता है पिता का जवान पुत्र भी यदि एक्सीडेंट में मर गया हो तो समाज के सामने आंखों से आंसू नहीं गिरता इतना कठोर हृदय का पिता होता है लेकिन वह कठोर हृदय वाला पिता जब अपनी लाडली बिटिया को डोली पर बैठाने लगता है तो उसका पत्थर हृदय भी पिघल कर पानी बनने पर मजबूर हो जाता है क्यों प्रश्न है यह क्यों जो पिता समस्त परिवार को संभालता है उस पिता को संभालने की क्षमता परिवार के और किसी सदस्य में नहीं उसकी पुत्री में होता है पुत्र के वियोग में आंसू नहीं गिरता पुत्री के वियोग में आंसू क्यों गिरता है पुत्र यदि पिता के संपत्ति पर राज करता है तो पुत्रियां संपत्ति पर तो राज नहीं करती लेकिन पिता के हृदय पर राज करती है इसलिए पिता के आंखों का आंसू बरबस निकलने पर मजबूर हो जाता है आज वही जनक जी महाराज कह रहे हैं कि हे बेटी जाते समय मैं क्या दूं? हे बेटी पुत्र पवित्र किए कुल दो
यदि पुत्र पर एक जिम्मेवारी है तो पुत्रियों पर दो दो जिम्मेवारी है। पुत्र यदि नालायक हो जाए तो केवल पिता की प्रतिष्ठा को बर्बाद करता है, लेकिन पुत्रियां यदि नालायक हो जाए तो पिता और पति दोनों के कुल को बर्बाद कर देती है। पुत्र यदि लायक हो तो केवल पिता के प्रतिष्ठा में चार चांद लगाता है, लेकिन पुत्रियां यदि सुपुत्री हो जाए तो पिता और पति दोनों के कुल में चार चांद लगाती है। हे बेटी, अब तुम एक नारी बन के जा रही हो। नारी का जीवन गंगा के धार के समान होता है। हरिद्वार प्रयाग एचा गंगा सागर संगमे, जैसे हरिद्वार से चलती हुई गंगा प्रयागराज होती हुई गंगा सागर में समाहित होती है। रास्ते में कितने पहाड़ों से टकराना पड़ता है उसको, कितने जंगलों से गुजरना पड़ता है, कितने गंदे गंदे नाले उसमें मिलते हैं, लेकिन हे बेटी, गंगा की पवित्रता में, शुद्धता में, विशुद्धता में कहीं भी आंच नहीं आती, उसकी पवित्रता कम नहीं होती। वैसे हे बेटी, तुम्हारे जीवन में भी पहाड़ जैसे दुख आएंगे, गंदे पुरुष के गंदे विचार भी नाले तुम्हारे चरित्र को अशुद्ध करना चाहेंगे, लेकिन हे बेटी, तेरे पिता का नाम जनक है। दुनिया का जो जनक हो, किसी भी सम या विषम परिस्थिति में चले मान और डिगे मान न हो। किसी बेटी ने अपने पिता से पूछा कि पिताश्री, भैया मेरा भाई 3 दिन तक बाहर रहता है, आप उसका लेखा जोखा नहीं लेते, आप हिसाब नहीं लेते, सुबह निकलता है तो रात्रि को आता है, एक बार भी आप नहीं पूछते हो पिताश्री कि तू कहां गया था? मैं जेठ की दोपहरी में 2 घंटा के घर, 2 घंटा के लिए सहेली के घर चली जाती हूं, सखी के घर चली जाती हूं, तो आते ही पहले दरवाजे पर प्रश्न करते हैं, कहां गई थी 2 घंटा से? ऐसा क्यों पिताश्री? पुत्र और पुत्री में अंतर क्यों? बेटा को इतनी स्वतंत्रता क्यों और बेटी को इतनी परतंत्रता क्यों? बेटा को आप फ्री छोड़ रखे हो और मेरे से बार बार हिसाब लेते हो, ऐसा क्यों? पिता के आंखों में आंसू आ गए, कहा कि बेटी, जो बेटा होता है ना, वो छड़ और गिट्टी का दुकान होता है, हार्डवेयर का दुकान होता है। हे बेटी, छड़ और गिट्टी, सरिया और गिट्टी रोड पे पड़ा रहता है, उस पर गाड़ी चढ़ जाए, जंक लग जाए, उसकी कीमत कब नहीं होती बेटी, लेकिन जानते हो बिटिया क्या होती है? बेटिया हीरा की दुकान होती है। जैसे जौहरी अनमोल हीरे को 7 कपड़े के तह में, 7 लॉकर के लॉक में रखता है, क्यों? इसलिए कि हीरा में थोड़ा भी दाग लग गया ना, थोड़ा भी खरोच आ गया ना, तो उस हीरे का खरीददार कोई नहीं होगा। बेटा यदि सरिया और गिट्टी की दुकान है तो बिटिया हीरे की दुकान है। यही कारण है कि तुम्हारा लिखा जोखा, हिसाब किताब मैं 24 घंटा ध्यान रख के करता हूं और बेटा का नहीं करता। जनक जी महाराज आज बिटिया को लेकर कहते हैं कि नारी जीवन हाय तेरी यही कहानी आचल में दूर
आंखों में पानी। ऐसा कहते हुए जनक जी महाराज बैठाते हैं डोली पर, सबका धैर्य टूट जाता है। जो शिशक शिशक के रो रहे थे वो सारी जनकपुरवासी सीता को डोली पर बैठते ही फफक फफक कर रोने लगे। अरे मनुष्य की बात कौन करे, भाई विकल खत मृग यही बाती, मनुज दशा कैसी कही जाती। कनक पिंजरन राखी पढ़ाई, एक तोता था सोने के पिंजड़े में वह था। जब सीता की विदाई देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ, वो तड़पने लगा, छटपटाने लगा और चिल्लाने लगा, सीते सीते। जिस घर से सीता रूपी भक्ति की विदाई हो जाए उस घर में मैं नहीं रहूंगा, सीते तुम मेरे को साथ में लेकर चल, नहीं तो मैं अपना परिणांत कर लूंगा। सीता जी आकुल और व्याकुल हो गई। तोते की आवाज सुनकर कहती है, मां जाते समय कुछ मांगना चाहती हूं। मां सुनैना कहती है, मांग बेटी, आज तू जो मांगेगी वही दूंगी। बोले, धन दौलत नहीं चाहिए मां, ये जनकपुर वासी तो मेरे विक्षोभ को बर्दाश्त कर लेंगे, मेरे वियोग को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो तोता है ना वो मेरे वियोग को बर्दाश्त नहीं करेगा मां। इसलिए दहेज में यह तोता मेरे गोद में लाके डाल दे। कैसा वह तोता रहा होगा त्रेता का, भक्ति ही नर सोहै कैसा, अरे बिनु जल बारिद देखी कैसा। जैसे सरोवर खूब सुंदर हो लेकिन उसमें जल न हो वह शोभाहीन हो जाता है, वैसे मनुष्य खूब सुंदर हो लेकिन भक्ति का जल यदि न हो तो वह मनुष्य शोभाहीन हो जाता है। आज यह पक्षी होकर भक्ति के गोद में विदा हुआ, डोली उठकर चली, सारे लोग बदहवास हो गए, पछाड़ खाके गिर गए, चीख चीख कर रोने लगे। डोली का एक पावा जनक जी महाराज पकड़े हैं और दूसरा पावा सुनैना महारानी पकड़ी है। डोली नगर के बाहर गई, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ रथ से उतर कर सारे जनकपुर वासियों को अब वापस करके दशरथ जी को जब वापस करने लगे, जैसे सूखा पत्ता पेड़ से टूट कर धरती पर गिरता है, जैसे हाथ से निर्जीव लाठी छूट कर जमीन पर गिरती है, वैसे आज जनक जी महाराज दशरथ जी के चरणों में गिरकर रोते हुए जनक जी कहते हैं कि हे चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ, मैं भली भांति जानता हूं आपका सम्मान देवताओं का राजा इंद्र आधा सिंहासन खाली करके करता है, अपने सिंहासन पर बैठकर आपका स्वागत करता है। उस दशरथ का भला यह दीनहीन गरीब बदनसीब बिटिया का बाप क्या सब बात कर सकता है। हाँ, देने के बजाय ही महाराज दशरथ आज बिटिया का बाप आपके सामने झोली फैला कर मांग कर रहा है कि यदि कोई सम्मान में कमी रह गई हो और मेरी बिटिया कभी कोई गलती कर दे, भूल कर दे, तो बिटिया का भूल न समझकर, बिटिया की गलती न समझकर उसके पिता के परवरिश में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई कमी रह गई होगी, जिसके चलते उसकी बिटिया गलती की है, पिता की गलती समझकर क्षमा कर देना।
और दूसरी मांग मैं यही मांग रहा हूं कि मेरी बिटिया को पुत्र वधु बनाकर मत रखना। जैसे एक पिता पुत्री को अपने हृदय में जगह देता है, वैसे हमारी बिटिया को पुत्री का दर्जा देकर अपने हृदय में जगह देने का थोड़ी सी कृपा करना आश्वासन देते हैं। दशरथ जी महाराज की जो भी आप मांग किए हैं, प्रत्येक पुत्री के पिता को यही मांग करना चाहिए। यही मांग भगवान शिव से हिमाचल राजा भी किए हैं। जो मांग जनक जी महाराज अपनी बिटिया के लिए दशरथ जी से किए हैं, ठीक यही मांग हिमाचल महाराजा भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि नाथ मा मम प्राण समा गृह किंकिरी करे, अपने घर की महारानी मत बनाना भोलेनाथ, लेकिन अपने चरणों की दासी जरूर बनाना, चरण से अलग मेरी बिटिया को मत करना। ऐसा दिव्य प्रत्येक पुत्री के पिता को मांग मांगनी चाहिए। वर पक्ष से इस प्रकार से सीता जी की विदाई हुई। इधर गम है तो उधर हर्ष है, बीच बीच बरबाश करी मगलोगन सुख देत अवध समीप पुनीत दिना पहुंची आई जने। अयोध्या चार डोली चार दुल्हा सब लोग पहुंचे, इसी का नाम है दुनिया। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कहीं कोई रो रहा है तो कहीं कोई गा रहा है। मिथिला वासी रो रहे हैं, अयोध्या वासियों को गाने का समय आ गया है। कहीं ठंडी आह है तो कहीं वाह वाह है, इसी का नाम है दुनिया। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। जनकपुर में ठंडी आह है, लेकिन अयोध्या में वाह वाह है। राम सीता के आगमन पर चारों तरफ तोरण पताका कलश रंगोलियां सजाई गई है। चार डोली आई दशरथ के महल के दरवाजे पर। ग्रंथकार कहते हैं भूपति भवन कोलाहल होई, भूपति भवन कोलाहल होई, भूपति भवन कोलाहल होई, भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समय सुख सोई, जाई न बरनी समऊ सुख सोई, जाई न बरनी समऊ सुख सोई, जाई न बरनी समऊ सुख सोई। सिविका शुभ गोहर उघारी, सिविका शुभ गोहर उघारी, पुत्र वधु का मुंह कौन देखती है? वो सासू ना। जब पुत्र वधु विवाह करके ससुराल में आती है, यहां तो सब गुंगट वाली बैठी है। शिविका सुभग कुहार उगारी, गुंगट की चर्चा है, गुंगट की चर्चा तो कुछ करनी चाहिए ना, सब गुंगट वाली है। मुंह दिखाई समझते हो? जब पहली बार बहू का मुंह देखते हो तो कुछ देते हो ना भाई, गिफ्ट आप लोग करते हैं रिसेप्शन में। फंक्शन के बाद जो रिसेप्शन होता है बहू भोज,
तो पति और पत्नी दूल्हा और दुल्हन बैठे रहते, जाते हो अब इधर तो जरूर घूंघट निकाल के रहती होगी। अब आजकल तो घूंघट यहाँ चर्चा है रामचरितमानस में, शिविका सुभग उहार उघारी आ देखी दुल्हिनी भई सुखारी। एक वर्ष तक जब सासू से जब पतोहु आती है पुत्र वधु घर में आ जाती है तो ये गांव है, सासू लोगों को छुट्टी हो जाती है किसे किचन से, भाई पुत्र वधु आ गई अब हम फ्री हो गए, तो ये क्या करती है सब, जिस दरवाजे पर पुरुष न हो उस दरवाजे पर सब बुढ़िया इकट्ठी हो जाएगी, अपनी अपनी पतोहु की शिकायत अपनी अपनी पुत्र वधु की बड़ाई बस यही काम करती है। अब नई नई पुत्र वधु आई है ना, पूछती है कहो तेरा तेरी पुत्र वधु कैसी है, तो क्या कहती आहा अरे आकाश से चांद सीधे उतर कर मेरे आंगन में आया है, हमारी पुत्र वधु का मुख है जानती हो कैसे, चंद्रमुखी है चंद्रमुखी। एक बरस तक बस एक बरस तक, फिर दूसरे वर्ष जब शुरू होता है तो सब सासू इकट्ठी हो जाती है। अब वो दूसरी सहेली बुढ़िया बुढ़िया से पूछेगी कहो तेरी बहू कैसी है, आज जाने दो नाम ना लो। एक साल के बाद दूसरा साल ले अब क्या हुआ, अरे अब क्या कहना है, अब तो पड़ोसी की हमारी सहेली आती है कि हमारे घर चाय बनाने के लिए थोड़ा शक्कर समाप्त हो गया है, थोड़ा चीनी दे दो दुकान से आएगा तो फिर लौटा दूंगी, और जब मैं किचन में घुसती हूं तो बहू पर्दा हटा के देखती रहती है कि किचन से ये सासू किसको क्या दे रही है, तुरंत आके खड़ी हो जाती है। एक बात मैं बोलती हूं तो ये चार बात बोलती है जवाब देती, यानी अब क्या हो गई, पहला साल चंद्रमुखी है अब मेरी पुत्र वधु मेरी बहू सूर्यमुखी हो गई, अब सूर्य थोड़ा थोड़ा ताप देता है ना, थोड़ा थोड़ा गर्मी देता है, अब तो फिर तीसरा साल शुरू होता है, दो साल बीत जाता है, तीसरा साल फिर दोनों सासू इकट्ठी होती है दोनों सहेली इकट्ठी होती है, बुढ़िया कहो तेरी बहू का क्या समाचार है, बोले जाने दो तुमको यही एक काम है जब देखो तो बहू बहू बहू, अरे बहू भाण में जाए, क्या हुआ हम कहेंगे थोड़ी सही बात बता, अरे अब क्या कहें, अब तो वही सासू हो गई और मैं ही बहू हो गई हूं, पहला साल वो चंद्रमुखी है दूसरा साल सूर्यमुखी है और तीसरा साल वो ज्वालामुखी बन गई है। ये लोग ताली ज्यादा बजा रहे हैं इस बात पे, इसका मतलब है कि मैं बात सत्य कह रहा हूं, लेकिन हमारी सियाजू ऐसी नहीं है। सियाजू कैसी है, जब मुंह देखने के लिए तीनों रानी कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा आई, पीछे से आवाज आई, जो ही तीनों अब घूंघट उठाना चाह रही है अपनी पुत्र वधु का मुंह देखने के लिए, उसी समय पीछे से आवाज आई ठहरो ठहरो, अकस्मात एक आवाज आई, पलट कर देखी कौन है यह, और कोई नहीं है चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ, ठहरो
अकस्मात एक आवाज आई। आप क्यों रोक रहे हो? मैं रोक नहीं रहा हूं। दशरथ जी ने कहा मैं रोक नहीं रहा हूं। बोले फिर? अरे जो अलभ्य वस्तु देकर अपनी भावना दिखलाएगी वही हमारी पुत्र वधुओं का मुख मधुर देख पाएगी। मुंह दिखाई में जो गिफ्ट करेगी, अब देखता हूं कौन कितना बड़ा गिफ्ट करता है। मुंह दिखाई प्रसंग शुरू हुआ। हम मुंह दिखाई, हम मुंह दिखाई सिया की गजब हुई ना। मुंह दिखाई सिया की गजब हुई ना। हम गावे सहाना 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 गजब हुई ना। मुंह दिखाई, हम मुंह दिखाई, हम मुंह दिखाई सिया की गजब गुइया। 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 जो अलभ्य वस्तु देकर अपनी भावना दिखलाएगी वही हमारी पुत्र वधुओं का मुख मधुर दिख पाएगी। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। सबसे पहले कौन मुंह देखे? कैकई। कितना प्रेम करती थी कैकई, इस प्रसंग से आप अंदाजा लगाओ। कौन किससे कितना प्रेम करता है इसका प्रमाण क्या है? महंगा गिफ्ट प्रायः भाई जो अपने होते हैं वो बहुत महंगा देते हैं, जो पड़ोसी होते हैं कुछ सस्ता देते हैं, जो बहुत दूर के होते हैं वो और सस्ता देते हैं, जो बहुत दूर के होते हैं वो एक फूल दे देते हैं, और जो एकदम दूर के होते हैं वो प्लास्टिक का भी फूल दे देते हैं। अब तीनों महारानियां हैं, राम और सीता से किसका कितना प्रेम है गिफ्ट से पता लगेगा। सबसे पहले कौशल्या मुंह नहीं देखी, बड़ा गंभीर विषय है, समझिएगा तब समझ में आएगा। सबसे पहले सुमित्रा मुंह नहीं देखी सीता का, सबसे पहले कैकई मुंह देखी। और मुंह दिखाई में क्या थी जानते हैं? कनक भवन। अयोध्या में जो गया होगा कनक भवन, कनक बिहारी का दर्शन किया होगा। ये कनक भवन का इतिहास क्या है? एक दिन कैकई एक सपना देखी, सोए हुए जगी, क्या देखी? बड़ा सुंदर एक हवा महल है और उस महल में हम और दशरथ जी सोए हुए हैं। तुरंत जगाई दशरथ जी, उठिए उठिए। उठे, क्या बात है? बोले मैं एक सपना देखी और सपने में बड़ा सुंदर अजूबा एक महल देखी। बोले फिर? बोले वही महल बनवा दीजिए। दशरथ जी ने कहा कि सपना कभी अपना नहीं होता, और तू सपने में महल देखी है, अब उसको मैं कैसे बनवाऊं? अरे तू कहा तो बढ़िया महल बनवा दू। बोले नहीं, हू बहू वैसा ही जैसा मैं सपने में देखी। वो सोने का महल था, तीनों त्रिलोक चौदह भुवन से सुंदर था। दशरथ जी कहते हैं तू बावली हो गई है। अरे सपने का महल कभी मिलता है क्या? कह कही कही कि मुझे वर गलाइए मत, मैं अच्छी तरह भली भांति जानती हूं
कि आपके मित्र का नाम देवराज इंद्र है, आप सीधे जाइए स्वर्ग, देवराज इंद्र से कहिएगा कि ब्रह्मा को बुलावे। अब ब्रह्मा ही तो सपना दिखाता है, चाहे जागृत हो चाहे सुसुप्ति हो, ब्रह्मा ने जो लिखा है वही तो होगा। ब्रह्मा को बुलावे और मेरे सपना वाला रील रिवाइंड करे और हमको दिखावे। गए बेचारे, विवाह सेकंड मैरिज है ना, बस में तो रहना ही पड़ेगा ना, और तो आजकल तो फर्स्ट मैरिज में लोग बस में हो जाते हैं, अब सेकंड मैरिज की बात कौन करे। अब गए बेचारे पत्नी की जिद को पूरा करने के लिए, इंद्र से कहे कि मित्र बात ऐसी ऐसी है। हाँ कोई बात नहीं मित्र, मित्र की समस्या मित्र की होती है, मैं समाधान करता हूँ। ब्रह्मा को बुलाए, रील को रिवाइंड हुआ और जब वह सपने का महल आया तो कह कही कही बस यही है, स्टॉप करिए, जूम करिए। जूम हुआ, देखे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने वैसा ही सपने का महल, कनक भवन सरजू किनारे खूब सुंदर तैयार किया। अब गृह प्रवेश होने वाला है। अब जो ही दशरथ और कैकेयी का कदम पड़ने वाला है चौकट के अंदर, उसी समय जनकपुर से पत्रिका आ गई। किसका? राम सीता की सगाई हो गई है, विवाह के लिए बारात तैयार करिए। कैकेयी कितना प्रेम करती थी राम से, कैकेयी कही हे महाराज अब तो हम लोग बूढ़े हो गए, अब यह कनक भवन में प्रवेश होगा हमारा और आपका नहीं, अब सीता और राम का होगा। इतना प्रेम करती थी कैकेयी, इतना प्रेम करती थी। तो आप कहेंगे कि बाबा वनवास क्यों मांगा? कैकेयी की निंदा मैं करूंगा आगे, क्योंकि निंदा ही सर्वग्राह्य है, विद्वानों के लिए है, विद्वानों की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। कैकेयी निंदनिया नहीं, वंदनिया भी नहीं है, कैकेयी जब निंदनिया भी नहीं है और वंदनिया भी नहीं है तो है कौन? कैकेयी परम वंदनिया है। कैकेयी जैसा प्रेम राम से कौशल्या भी नहीं करते थे, कौशल्या नहीं करते थे। भरत और कैकेयी जितना राम से प्रेम करते थे, रघुवंश में कोई राम सीता से उतना प्रेम नहीं करता था। अब यह कथा हम लोग विद्वानों के मंच पे किया करते हैं, नहीं तो उसी का अनुसरण होने लगेगा, उसी का अनुकरण होने लगेगा। एक वाक्य में संक्षेप में बता दूं, राम को कौशल्या ने अपने कोख से जन्म दिया है, यदि राम का जन्म कौशल्या के कोख से हुआ है तो राम राज्य का जन्म कैकेयी के कोख से हुआ है। कौशल्या तो चंद मिनट के असह्य दुस्सह प्रसव के पीड़ा को बर्दाश्त की है, लेकिन कैकेयी, भरत ने आज तक मां नहीं कहा कैकेयी, और वनवास के बाद कैकेयी जिंदा लाश बन गई है।
कारण राम का बचपन का मांगा हुआ वरदान, जिस समय राम लुका छुपी खेल रहे थे, राम बड़ा शांत और सौम्य थे। कभी उन्होंने शरारत जीवन में नहीं किया है, बाल्यावस्था में भी। आज पहली बार कहे कहीं के पीछे से लटक गए और लटकते हुए दोनों हाथों से आंख बंद कर दिए और कहे मां बताओ मैं कौन हूं। कई कई को तो कभी अंदाजा भी नहीं था कि मेरा राम शरारती है। शरारत जब करते थे तो लखन और शत्रुघ्न करते थे, भरत और राम नहीं करते थे। कई कई न सोची न समझी न विचार की और कई कई कह दी लखन। राम जी तुरंत करवट बदल कर कई कई के गोद में गिर गए, छोटे हैं ना, और कहे की बात तू हारी मैं जीता, मैं लखन नहीं राम हूं, और जीतने वाला हारने वाले से कुछ लेता है, हारने वाला कुछ देता है। आज हे मां तेरा राम तुझसे कुछ मांगना चाहता है। कई कई कही की मांग बेटा मांग, आज मैं कृतता को प्राप्त हो जाऊंगी, आज मेरा राम मेरे से मांगेगा। राम ने कहा नहीं मां, पहले तू संकल्प कर, जो राम मांगेगा वो देगी ना। कई कई की आंखों में आंसू आ गया, कई कई कही राम मैं बीमाता हूं ना, सौतेली मां हूं ना, तेरी गर्भोता और प्रसूता नहीं हूं ना। क्या कौशल्या से मांगना होता तो तू पहले कसम खिलाता। मैं बीमाता सौतेली मां हूं, इसलिए राम इस कई कई रूपी बीमाता सौतेली मां पर मेरे राम को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए तू कह रहा है संकल्प कर। राम ने कहा नहीं मां, वो चीज ही इतनी दुर्लभ है, इतनी महंगी है कि मुझे संदेह हो रहा है कि तू बचत देके भी इनकार कर जाएगी, इसलिए तू जल और कुश हाथ में ले, अक्षत और फूल ले, संकल्प कर, उसके बाद मैं मांगूंगा। कहे कही कही कि प्राण से ज्यादा कुछ पैदा नहीं होता है डराम। अरे तू प्राण भी मांगेगा ना तो मैं देने के लिए तैयार हूं। राम ने कहा पहले संकल्प कर, प्राण से भी महंगा वस्तु मैं मांगने वाला हूं। और जब संकल्प करके छत्राणी कही है कि मैं रघुवंश की पुत्र वधु हूं, रघुवंश सूर्यवंश की नारी हूं, प्राण जाह पर वचन न जाई, इसलिए मैं संकल्प करती हूं प्राण भी मांगो तो तुरंत में तुमको मांगने में देर होगी राम, मुझे देने में देर नहीं होगी। और संकल्प कराने के बाद राम ने कहा कि मां जिस समय पिताजी मेरा राज्याभिषेक करना चाहे उस समय मां मेरा वनवास मांगना। कई कई के पांव तले धरती सरक गई, महल घूमने लगा और पछाड़ खाकर राम के चरणों में गिर पड़ी। कहती है राम अरे मांगने के पहले एक बार विचार कर लिया होता, ऐसी भी कोई चीज मांगता है क्या। अरे आज के बाद कोई माता पिता अपने बिटिया का नाम कहे कही नहीं रखेगा राम, तू तो मृत्यु दंड से भी ज्यादा मुझे सजा दिया है, अब बताओ तो ये कलंक का टीका लेकर मैं। राम ने कहा मां प्रेमी प्रेमास्पद को कुछ भी देने के लिए तैयार होता है, इसी का नाम तो प्रेम है। चार सर्गों में यह व्यास गद्दी बांटी है प्रेम को, लव, इंटरनल लव, इटर्नल लव एंड डिवाइन लव, और डिवाइन लव के लवर भरत और कह कही
डिडाइन लव का डिफिनेशन होता है। कुछ लोग पढ़े लिखे बैठते हैं हमारे कमरे पर, चर्चा हो रही थी कल, प्रेम, आंतरिक प्रेम, शाश्वत प्रेम और दिव्य प्रेम। लव मतलब प्रेम, इंटरनल लव यानी आंतरिक प्रेम, इंटरनल लव यानी शाश्वत प्रेम एंड डिवाइन लव। डिवाइन लव के लवर कैकेयी और भरत ने इसका डिफिनेशन है, द आई इज लवर इज नॉट ओनली अट्रैक्ट डिलाइटेड हिमसेल्फ। प्रेम आकर्षित करने का नाम नहीं है, प्रेम तो समर्पण करने का। कई कई निंदनिया नहीं, बंदनिया भी नहीं है, कई कई परम बंदनिया। राम का जन्म यदि कौशल्या के कोख से हुआ है, वो तो चंद मिनटों के प्रसव की पीड़ा को बर्दाश्त की है ना, लेकिन कई कई वनवास के बाद जिंदा लाश बनकर मौनी बाबा बन गई है, इसके बाद कहीं कैकेयी का संवाद नहीं आता है। मानो जीवन पर्यंत प्रसव से भी असह्य और दुस्सह कलंक का पीड़ा होता है, वह पीड़ा से पीड़ित है कैकेयी। कैकेयी निंदनिया नहीं, इतना प्रेम करती थी राम से कि अपने जीवन का जो सर्वोपरि बहुमूल्य अमूल्य जो वस्तु है वह कैकेयी दी है सीता के मुंह दिखाई में। हम मुंह दिखाई सिया की गजब गुइया, मुंह दिखाई सिया की गजब गुइया, मुंह दिखाई सिया की गजब गुइया, मुंह दिखाई सिया की गजब गुइया। हम हसब की बोलब कहब गुइया, हम हसब की बोलब कहब गुइया, हम हसब की कहब सुनब गुइया, हसब की बोलब सुनब गुइया। मुंह दिखाई हम दिखाई मुंह दिखाई सिया की गजब गुइया, मुंह दिखाई सिया की गजब गुइया, मुंह दिखाई सिया की गजब गुइया, मुंह दिखाई सिया की गजब गुइया। कनक भवन दुनिया का अंतिम और प्रथम मंदिर है, राम मंदिर, जिसमें केवल राम सीता है, लखन जी और हनुमान जी नहीं है। अयोध्या में जो गया होगा देखा होगा, इसीलिए दुनिया में जितने राम जी का मंदिर होगा देखे होंगे आप, राम सीता के साथ लखन और दास रूप में हनुमान जी, इन हमारे अयोध्या में कनक भवन में केवल राम सीता है। क्यों मुंह दिखाई में मिला है, राम सीता का शयन कक्ष है, उसमें लखन और हनुमान की क्या जरूरत। अब बारी आती है सुमित्रा की, मुंह देखने की। सुमित्रा अपने गले का नौलखा हार जो दशरथ जी ने सुमित्रा को मुंह दिखाई में दिया था शादी के बाद, वह नौलखा हार सुमित्रा अपने गले का खुलकर सीता के गले में पहना दी। अब बारी आती है कौशल्या की, सबकी निगाहें ठहर गई। क्यों? जब भी माता होकर सौतेली मां होकर कनक भवन और नौलखा हार जब दी है तो कौशल्या तो अपनी सासू है ना, ये क्या दे रही है, सबसे महंगा गिफ्ट होना चाहिए ना। लेकिन कौशल्या एक ऐसी महान पात्रा है रामचरितमानस की, जिसके बक्से में अलमारी में ताला और चाबी नहीं है। रघुवंश की सारी नारियों के अलमारी में
ताला चाबी है। इन मात्र एक प्रथम और अंतिम नारी है जिसके अलमारी में ताला और चाबी नहीं है, उसका नाम कौशल्या है। जिसने आज तक दशरथ से कुछ भी डिमांड ही नहीं किया, जब से विवाह होके आई है, ये प्रथम और अंतिम पत्नी है। तीनों त्रिलोक चौदह भुवन की बात मैं करता हूं, केवल मृत्युलोक की बात नहीं करता। पार्वती तो इतना जलन हुआ सती अनुसुईया से कि भगवान विष्णु को भेज दी। अब उनसे बढ़ा कर तो कोई पतिव्रता नारी नहीं है ना, उससे बढ़कर तो कोई है नहीं। लेकिन कौशल्या एक ऐसी नारी है जिसने पति से आज तक किसी प्रकार का कुछ भी मांग ही नहीं की, न एक साड़ी मांगी है, न ही कोई गहना मांगी है, न ही कोई शिकवा, न कोई शिकायत। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। इधर भी वाह वाह है और उधर भी वाह वाह है, ठंडिया है। कौशल्या कहती है कि अरे परम पिता परमात्मा, तू सुख दे या दुख, तू हर्ष दे या गम, तू धूप दे या छांव, तू अमीरी दे या गरीबी, तू महल के अंदर रख चाहे आकाश के नीचे रख, हे परमपिता परमात्मा तेरी प्रत्येक देन हमारे लिए सदा ही दिव्य देन होगी और मुझे सहर्ष स्वीकार होगी। तुम्हारी प्रत्येक देन हमारे लिए सदा ही दिव्य देन होगी और मुझे सहर्ष बिना उलाहना का स्वीकार होगी। ऐसा चरित्र है हमारी राम के गर्भवता प्रसूता जन्मदात्री कौशल्या का। आज कौशल्या को मुंह दिखाई में देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ हो तब तो देवे। कौशल्या के पास कुछ है, सबकी नजर टिकी है कि कैकेयी और सुमित्रा ऐसे महंगे महंगे गिफ्ट दी तो कौशल्या क्या दे रही है। कौशल्या इधर उधर देखी, कुछ भी नहीं था उसके पास और देना था सबसे महंगी वस्तु, क्योंकि मेरी पुत्र वधू है, मैं राम की जननी हूं, जन्मदात्री हूं। नजर पड़ी राम पर और राम को कही कौशल्या, राम जरा इधर आना। तो राम जी आए और सीता से कही बेटी जरा अपना हाथ दिला तो। और कौशल्या कहती है कि हे सीते, तेरे मुख के अनुरूप देने लायक वस्तु तीनों त्रिलोक चौदह भुवन में कुछ भी नहीं है। यदि उसके रूप के अनुरूप कोई वस्तु है तो उसका नाम राम है। आज मैं राम को तेरे हाथ में सौंप रही हूं। जैसे सुनैना ने सीता का कन्यादान राम के हाथ में सीता को देके किया था, वैसे आज फिर वरदान हुआ। आज तक आप लोगों ने सुना होगा केवल कन्यादान की चर्चा, लेकिन अयोध्या में, अयोध्या के रघुवंश में, सूर्य वंश में कौशल्या ने दुल्हा दान किया है, कन्यादान नहीं। कहे कि तेरे रूप के अनुरूप तो राम के सिवाय तीनों त्रिलोक चौदह भुवन में कुछ है ही नहीं, इसलिए आज से राम पर मेरा कोई अधिकार नहीं, सारा अधिकार हे सीते तेरा होगा। हम देखाई सिया की गजब गुइया, देखाई सिया की गजब गुइया, मुँह देखा।
खाई सिया की बजब हुई मूज खाई सिया की बजब हुई हम गावे सहाना अजब गुइया 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 मुँह देखाई सिया की गजब इस प्रकार से मुंह दिखाई प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है। यदि भाव से भावित होकर आप सुनिए और कहें तो पूरा रघुवंश एक जगह इकट्ठा है, पूरा सर्वंश का परिवार एक जगह इकट्ठा है। जैसे कोई भांट जानते हैं जो मालिक का केवल गुणगान करके पैसा लेता है। अब पता नहीं आप लोग के राजस्थान में क्या बोला जाता है, भांट ही बोला जाता है। जैसे भांट मालिक के केवल प्रशंसा कर करके और पॉकेट का सारा पैसा निकाल लेता है, वैसे आज दशरथ जी तीनों रानियों से जनक जी का बड़ाई कर रहे हैं। जनक जी की बड़ाई चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ अपने हजारों मुख के बराबर बाणी से तीनों महारानियों के सामने कर रहे हैं। हे कौशल्या, हे कैकेयी, हे सुमित्रा, तुम लोग नहीं गई ना? अरे सरस्वती के मुख भी छोटा पड़ जाएगा। जनक की अगवानी का वर्णन करने में इतना सम्मान और इतना स्वागत किए। और हे कौशल्या, जानती हो दहेज में दिए नहीं, दहेज में क्या मांगे कि चारों बहुओं को पुत्र वधु नहीं पुत्री बना के रखना। और हे कौशल्या, हे कैकेयी, हे सुमित्रा, तुम तीनों का पति दशरथ जनक को यह वचन दिया है, इसलिए आज एक नियम की घोषणा करता हूं, उसका पालन करना। कौन सा नियम है महाराज? नियम बना, ससुर ने बनाया पतोह के लिए सासू पर। राम कथा यदि भाव से सुना जाए, ये सारे झगड़े फसाद, ये सासू पतोह में लड़ाई, देवरानी जेठानी में झगड़ा, भाई भाई में बंटवारा, पिता पुत्र का केस कोर्ट तक जाना, ये सब समाप्त हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, व्यास गति का मैंने प्रमाण है, गारंटी देता हूं। बशर्ते शर्त यह है वक्ता संत हो और श्रोता समर्पित हो। आज ये दोनों की कमी हो रही है, इसलिए रामकथा मनोरंजन का साधन बन गई। रामकथा मनोरंजन नहीं है, रामकथा तो आत्मरंजन है। कथा मात्र एक जीवन, कथा जीविका नहीं, कथा तो अपने आप में जीवन है। बशर्ते शर्त है ये दोनों होता, दोनों मिले तब। अघटित घटना घट ही नहीं सकती, जब भी घटना घटेगी सुघटित घटेगी। एक नियम प्रतिपादित किए, उस नियम का नाम क्या है? अरे बधुलरी कनी पर धर आई,
बाधू लरी कनी पर घर आई, बाधू लरी कनी पर घर आई, बाधू लरी कनी पर घर आई। फिर सिद्धांत क्या है, राखे उपाला का नयन की नाई, राखे उपाला का नयन की नाई, बधू लरिकनी पर घर आई, राखे पलक नहीं की नाई, पुत्र बधू जैसा मत रखना, अरे पुत्री जैसा भी मत रखना। मैं तो वचन दिया हूं पुत्री जैसा रखने के लिए, नहीं कैसे रखना, जैसे दोनों पलक पुतली की रखवाली करती है। अब आप अंदाजा लगा लो, भले मक्खी उड़ाने के लिए हाथ जाता है ना, लेने पलक क्या समझती है, कहीं पुतली पे प्रहार तो नहीं कर रहा है, तुरंत ढक देती है ना। जबकि हकीकत यह है, सत्य यह है, वास्तविकता यह है कि हाथ उठ रहा है किसको उड़ाने के लिए, मक्खी को उड़ाने के लिए, यानी आंख की रक्षा करने के लिए। लेकिन ये दोनों पुतलियां सेवा में कितनी तत्पर रहती है, 24 आवर्स इमरजेंसी सेवा, इमरजेंसी वार्ड होता है 24 घंटा डॉक्टर बैठा रहता है कुर्सी लगाकर, इमरजेंसी अस्पताल में एक कमरा होता है और सारे विभाग बंद हो जाएंगे, लेकिन इमरजेंसी विभाग बंद वैसे ही तीनों रानियां चारों बहुओं की रखवाली जैसे पलक पुतली की रखवाली किया करते हैं वैसे तुम लोग करना। राम जी कौशल्या के जंघे पर सिर रख दिए, कौशल्या का वात्सल्य उमड़ा है, बहुत दिनों के बाद राम जी मिले हैं ना, विश्वामित्र जब से ले गए थे, शीर को सहलाती है और सिर पर हाथ फेरते हुए कौशल्या कहती है, हे राम मैं सुनी हूं ताड़का जैसी राक्षसी का वध तूने किया, मारीच और सुबाहु जैसी महान शक्तिशाली राक्षसों का वध तूने किया, कि विधि तहत ताड़का मारी, इसके पहले तो तू अभी राजमहल से निकला भी नहीं था, कि ही विधि तात। राम जी ने क्या उत्तर दिया, देखो दोनों का भाव देखो, उत्तर क्या दे रहे हैं राम, थोड़ा भी कर्तापन का एहसास नहीं है राम जी के अंदर। अब हम लोग होते तो कहते मां तिलक लगाओ मैं ताड़का को मार के आया, राम जी क्या करे, मां तेरे राम का क्या शक्ति जो किशोरावस्था में ताड़का जैसी भयंकर राक्षसी, मारीच बाहु जैसे भयंकर भयंकर राक्षस, तू जो गिनवाई है सारा गिनवाई है यहां से वहां तक, जो धनुष किसी से नहीं वो तुरंत तू लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, ये मनुष्य का कर्म तो नहीं हो सकता। तो राम जी ने उत्तर दिया, केवल कौशिक कृपा सुधारे, तेरे राम की क्या शक्ति, वो तो विश्वामित्र की शक्ति मेरे अंदर काम कर रही थी, ये जितने राक्षस मारे हैं ना वो मैं तो माध्यम हूं, मैं तो निमित्त हूं, ये सब विश्वास केवल कौशिक कृपा सुधारे। इन कौशल्या कहती है, राम मुझे बरगलाओ ना, भ्रमित मत करो, मैं अच्छी तरह जानती हूं तेरे आदेश से ये सूर्य आगे बढ़ता है,
ये पवन देव तेरे आदेश से चला करते हैं, मुझे भली भांति पता है। हे राम, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। बोल मां, बेटा देकर संतुष्टि को प्राप्त होगा। कौशल्या कहती है, जा दिन गए तुम्हें बिनु देखे, जा दिन गए तुम्हें बिनु देखे, जा दिन गए तुम्हें बिन देखे, जा दिन गए तुम्हें बिन देखे, ते बिरंची नहीं पार ही लेखे, ते बिरंची नहीं पार ही लेखे, ते बिरंची नहीं पार ही लेखे, राम, जब से विश्वामित्र आए तुमको लेके गए और आज तक तेरे दर्शन के बगैर, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते विरंच विदाता से कहना, मेरे जीवन की गणना में उस काल को निकाल के बाहर फेंक दे। हे राम, अवध बिहारी हो, अवध बिहारी हो, हमें आगे शरण तिहारी, अवध बिहारी हो, हमें अवध बिहारी माँ भारी हो, हम आए शरण तिहारी, महिमा भारी रहय जमिल मिला उसे सुरधा, माँ पात की रह राम का प्रमाण दे सुरधा, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का आधाना, हारी हो आए शरण तिहारी, संकट हारी हो आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो हम आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो आए शरण, हरि बोल, भगवान के शरणागति है। जब तक चरण शरण ग्रहण नहीं करेंगे उद्धार होने वाला नहीं है। अद्भुत है लीला रघुवर की, सुंदर है अवतार, अद्भुत है लीला रघुवर की, सुंदर है अवतार, चरित सिंधु है महिमा रघुवर, जानत है संसार, चरित सिंधु है महिमा रघुवर, जानत है संसार, ओ चरित सिंधु है महिमा रघुवर, जानत है संसार, चरित सिंधु है महिमा रघुवर, जानत है संसार, सारंग धारी हो हम आए शरण तिहारी, सारंग धारी हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए चरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए।
सबरी गीत अहिल्या तारा सुन कर करूं पुकार सबरी गीत अहिल्या तारा सुन कर करूं पुकार मैं हूं दास तुम्हारा भगवन कर दो बेला पार मैं हूं दास तुम्हारा भगवन कर दो बेला पार मैं हूं दास तुम्हारा भगवन कर दो बेला पार मैं हूं दास तुम्हारा भगवन कर दो बेला पार अभय परदाई हो आए शरण तिहारी अभय परदाई हो आए शरण तिहारी महिमा भारी हो आए शरण तिहारी महिमा भारी हो आए शरण तिहारी सर्वधर्म परित्याज मामेकं शरणं व्रज सागर बनना है कृपालु संतन रक्षक करुणा सिंधु कृपाल परम दयालु संतन रक्षक करुणा सिंधु कृपाल परम दयालु संतन रक्षक करुणा सिंधु कृपाल परम दयालु संतन रक्षक करुणा सिंधु अब कैसा डरना इस जग में संग है दीन दयाल अब कैसा डरना इस जग में संग है दीन दयाल अब कैसा डरना इस जग में संग है दीन दयाल अब कैसा डरना इस जग में संग है दीन दयाल मेरी बारी हो आए शरण तिहारी अब है बारी हो आए शरण तिहारी महिमा भारी हो आए शरण तिहारी महिमा भारी हो आए शरण तिहारी महिमा भारी अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी और वास्तविकता है जीवन वही जिया हुआ कहा जाएगा जो राम के सानिध्य में सामिप्य में सन्निकट सन्मुख होकर जिया गया हो बाद बाकी कोई जीवन जिया हुआ नहीं कहा जाएगा जीवन की वही सार्थकता है जो राम का सानिध्य प्राप्त सन्निकट प्राप्त सामिप्य प्राप्त और उनके सन्मुख होकर जिया जाए विमुख हो गए तो फिर जीना कहां रहा प्रभु ने जिंदगी तो दी मगर जीना नहीं आता आजकल के लोग रो रो के गाते हैं क्या अगर जिंदगी जहर है तो वह है ना गाना पीना ही पड़ेगा जहां में आए है
जीना ही पड़ेगा। जिंदगी जहर नहीं है, जिंदगी क्या है? अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना परिवार, कभी परिवार न छूटे कभी भगवान न रूठे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना परिवार, कभी परिवार न छूटे कभी भगवान न रूठे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा अपना संसार, कभी भगवान न छूटे कभी भगवान न रूठे। हर सपनों से प्यारा है अपना संसार, कभी भगवान न छूटे कभी भगवान न रूठे, कभी भगवान न छूटे कभी भगवान न रूठे। बसरते राम के सन्मुख हो जाए, राम का सामिप्य और सन्निधि प्राप्त हो जाए, उनके सन्निकट होकर जीवन जिया जाए, उनका स्मरण करते हुए जीवन जिया जाए। अब विस्मरण हो जाए तो कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, वही तो विपत्ति है ना। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, आज जब तब सुमिरन भजन न हो। असली विपत्ति तो यही है। कौशल्या कहती है कि ब्रह्मा से कहकर ये मेरे जीवन की गणना से यह दिन निकाल कर फेंक देना। कुछ दिन बीता, अब विश्वामित्र को चलने का समय हो गया है। मांगत बीता रहूं अनुरागे, अरे सुतन समेत ठाढ़ आगे। मांगत बीतारू अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और अंत में कहते हैं दर्शन दे तरहब मुनि मोहु, करब सदा लरी कन पर छो। दर्शन दे तरहब मुनि मोहु, करब सदा लरी कन पर छो। मांगत विदा राव अनुरागे, विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन दशरथ, अब हमें विदा दो। दशरथ जी कहते हैं नहीं महाराज, आप यहीं रहिए ना। बोले अरे ज्यादा दिन घर में रहूंगा तो बिगड़ जाऊंगा। संत सुखी विचरंती में, अब वो अलग बात है कि आजकल हम लोग घर पसंद कर रहे हैं, जंगल पसंद नहीं है। अब बनना चाहते हैं विश्वामित्र, संभव है? कठिन नहीं, असंभव है। संत सुखी विचरंती नहीं, गंगा में से धार समाप्त हो जाए तो गंगा की महिमा ही समाप्त। वैसे संत में से गति समाप्त हो जाए तो कब उसको माया पकड़ लेगी, जकड़ लेगी। कुछ कहा? इसलिए लिखा गया संत सुखी विचरंत, स्थिर रहने से जल गंदा हो जाता है और उसमें प्रवाह बना रहे तो शुद्धता बनी रहती है, विशुद्धता बनी रहती है, निर्मलता बनी रहती है। हे दशरथ, तुमसे दो मांगा था ना, 8 लाख के वापस किया, 4 दुल्हा 4 दुल्हन, अब तो तू खुश है, अब हमें विदागिरी दो। सुतन समेत ठाढ़वे आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत। ये सारा परिवार आपकी सेवा में खड़ा रहेगा, लेकिन आप रह जाइए। विदाई में बड़ा दुख हो रहा है, दोनों दुख देते हैं, कौन कौन? दुर्जन भी और सज्जन भी, संत और असंत दोनों दुख देते हैं।
एक ही साथ जन्म भी लेते हैं कहां। अरे उपजही एक संग जग माही जल जो कजिमी गुण भी लगा दुख दारुण देही बिछुरत एक प्राण हरि ले बिछुरत एक प्राण हरि ले। उपजही एक संग जग माही जलज जोंक जोंक नहीं जानते होंगे, जानते हैं किसानों का गांव धान में होता होगा। एक कही कीचड़ से जोंक भी पैदा होता है, जलज मतलब कमल का फूल, इन दोनों की दिशा दो है, एक ऊपर को जाता है और एक एक मन को प्रसन्न करता है और एक खूने पीता है। अब आजकल का रिश्ता ऐसा है, एक पत्नी थी, पति पर मच्छर बैठा था, मारी धड़ा, पत्नी ने मच्छर को मारा धड़ा। पति ने कहा कि मच्छर ही मारना है, इतना जोर से क्यों मारी, मुझे भी चोट आई। अब मच्छर मारने के लिए तो हल्के से, पत्नी जानते हो क्या कहा उसको, बताई कि मेरा हिस्सा तू पी रहा है। नहीं समझ में, मैं क्या कम हूं जो तू आ गया। जल जो ज्यों कजी मिगुन भी लगाए, बढ़िया है ना, समझ में आवे तो अच्छा, नहीं तो कहेगी सबसे। जलज जोंक जी में गुण भी लगाए हैं, मिलत एक दुख दारुण दे। अब समझा रहा हूं, चोर भी आता है तो दुख देता है, असाधु भी आता है तो दुख देता है। अब आप कहेंगे बाबा चोर आता है, डकैत आता है, रिवाल्वर कनपट्टी पे लगा देता है, दुख होता है, निकाल कहां चाबी है, काम का जाना है, जल्दी दे सोने का चैन निकाल जल्दी। जब वो आता है तो दुख होता है, आ जाता है तो सुख होता है। चलो चैन लिया, जान तो छोड़ दिया ना, प्राण तो छोड़ दिया ना। चोर के आते ही दुख और जाते हुए सुख, साधु के आते हुए सुख आ जाते हुए दुख नहीं, महादुख। क्यों? इसलिए वो तो चैन लेकर जान छोड़ दिया, ये तो बिछुरत एक प्राण हरि ले। संत जब चलता है तो पूरा रघुवंश आज रोने पर विवश हो गया, विश्वामित्र की विदाई में सारा रघुवंश सूर्यवंश निकल गया है विश्वामित्र जी के पीछे। बार बार लौट आ रहे हैं विश्वामित्र जी, तुम लोग लौटो, जंगल आ गया, रघुवंश कराए। अरे छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक, सात जन्म 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 तक, छोड़ेंगे हम तेरा साथ, ओ साथी
साथ छोड़ेंगे नाम तेरा साथ साथी मरते दम तक छोड़ेंगे नाम तेरा साथ वो साथी मरते दम तक छोड़ेंगे नाम तेरा साथ दशरथ जी ने मांगा है दर्शन देत रहब मुनि मोहु करब सदा लरिकन पर छो। अब मैं तो बूढ़ा हो गया है, पका हुआ आम कब टपक जाए क्या भरोसा। लेकिन हे विश्वामित्र जी, मेरे मरने के बाद भी आप आते जाते रहिएगा। क्यों? जब आप आते हैं तो संस्कार का पाठशाला होता है, संपत्ति के चकाचौंध में संस्कार हम सब भूल गए हैं। और संस्कार का पाठ तो कोई संत ही पढ़ा सकता है, संपत्ति के बस की बात। अब आजकल लोग अपने बेटा और बेटी को संपत्तिवान बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये बात नहीं है। अपने बेटा बेटी को संपत्तिवान बनाने के लिए क्या नहीं करते, प्रश्न ये नहीं कि क्या क्या करते हो, प्रश्न ये क्या नहीं करते हो। लेकिन यदि वही बेटा नालायक हो जाए तो शराब पीकर सारा जमीन बेच देगा, सारा प्लॉट बेच देगा। मैं निवेदन करूंगा इस प्रसंग के अनुसार, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। कल विराम दिवस है कथा का। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। मैं निवेदन करूंगा गार्जियन को, पेरेंट्स को, माता पिता अभिभावकों को, अपने बच्चों को संपत्तिवान बनाने की चिंता छोड़ो, संस्कारवान बनाने का प्रयास करो। क्यों? इसलिए संपत्ति के पीछे संस्कार नहीं चलता, लेकिन संस्कार के पीछे संपत्ति चलने पर एक न एक दिन अवश्य मजबूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। संपत्तिवान व्यक्ति भले संस्कारवान न हो, लेकिन संस्कारवान व्यक्ति एक न एक दिन संपत्तिवान अवश्य बनेगा। संस्कार विहीन संपत्ति आती है, सुखी तो करती है लेकिन शांति नहीं देती। संस्कार युक्त जो संपत्ति आएगी, सुखी भी करेगी और शांति भी देगी। आज लोग कहते हैं बाबा शांति नहीं मिल रही है। अरे शांति कहीं भरतपुर के बाजार में थोड़ी बिकती है जो जाओगे 2 लाख में खरीद के लेके चले आओगे। शांति की तो दुकान इस समय इसरी खेड़ा में लगा, जहां सत्संग रूपी बाजार लगा हो वहां शांति रूपी वस्तु खरीदी जाती है। किसके एवज में, बदले में क्या देना है? बदले में देना है श्रद्धा, समय, आस्था, निष्ठा, विश्वास, समर्पण, अर्पण। यदि यह पूंजी है तब तो सत्संग रूपी बाजार से शांति रूपी वस्तु तुम खरीद सकते हो। लेकिन यदि यह माल नहीं है तो शांति रूपी माल मिलने वाला आशीर्वचन देते हैं तुलसीदास जी। कहते हैं कि जो इस विवाह प्रसंग को गाएगा और सुनेगा, अरे सिया रघुबीर विवाह जे सब प्रेम गावहीं सुनहि, जो प्रेम के साथ गाएगा और सुनेगा, अरे सिया रघुबीर विवाह जे सब प्रेम गाँव ही सुनहि, तिन कह सदा उछा मंगल यातना
राम जसु। फल क्या मिलेगा? उसके घर कभी अमंगल नहीं होगा, उसका जीवन ही मंगलमय हो जाएगा। जो इस विवाह प्रसंग को गाएगा और सुनेगा उसका जीवन उत्सव नहीं महोत्सव का रूप धारण कर लेगा। आवे सात पुष्पों में आठ दिन में प्रथम पुष्प आज भगवान के चरणों में अर्पित हुआ। अब कल तो छह पुष्प चढ़ा ही देना है, कल तो लोकल ट्रेन नहीं, आजकल कौन चली है, वंदे मातरम नई ट्रेन चली है ना, वंदे मातरम से भी काम नहीं चलेगा, कल तो फ्लाइट बनना पड़ेगा, तब ना राम राज्य तक पहुंचा जाएगा। कल राम राज्य अभिषेक, रावण जन्म लिया है ना, मारना जरूरी है ना, नहीं तो रावण छोड़ दूंगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए कल रावण वध और राम का राज्याभिषेक। कल सारी कथा आपको संक्षेप में यह दास प्रयास करेगा। आवे प्रथम पुष्प अपने अपने भगवान अपने अपने गुरु के चरणों में चढ़ाते हुए। कारीन वाचा मन से इंद्रिया वृद्ध्या मना प्रकृते स्वभावा करोमि यदत्त सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। शंकर का डमरू बोले रघुपति राघव राजा राम, शंकर का डमरू बोले रघुपति राघव राजा राम, भारत की पीड़ा बोले श्री मन्नारायण राम, भारत की पीड़ा बोले श्री मन्नारायण राम, भारत की पीड़ा बोले श्री नारायण राम, नारद की बीड़ा बोले से मन नारायण राम, अर्जुन की गांडीव बोले रक्षा करते हैं भगवान, 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 सबरी का बेर बोले पति तपावन सीताराम, 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 हरि बोल। कृष्णा की बंसी बोले राधा राधा प्यारा नाम, कृष्णा की बंसी बोले राधा राधा प्यारा नाम, कृष्णा की बंसी बोले राधा राधा प्यारा नाम, विदुर की बाणी बोले भक्तवत्सल है भगवान, विदुर की बाणी बोले शंकर का डमरू बोले रघुपति राघव राजा राम, शंकर का डमरू बोले रघुपति राघव राजा राम, ¡Gracias!
पायल बोले मेरे तू गिरधर गोपाल, मीरा के पायल बोले मेरे तू गिरधर गोपाल, मीरा की पायल बोले मेरे तू गिरधर गोपाल, मीरा के पायल बोले मेरे तू गिरधर गोपाल। तुलसी की मानस बोले श्री राम जय जय राम, तुलसी की मानस बोले श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसी की मानस बोले श्री राम जय राम जय जय राम, तुलसी की मानस बोले श्री राम जय राम जय जय राम, तुलसी की मानस बोले श्री राम जय राम जय जय राम, तुलसी की मानस बोले श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। आज यही कथा विराम लेकर जय श्री राम कहते हुए आरती, सभी लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं, भैया माइक बनाइए थोड़े से, जय श्री राम और बढ़ाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।